स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे अपना वाटर ट्रीटमेंट पे आगे चलते हुए ओजोन वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया ओजोन क्या है। तो ओजोन कुछ खास नहीं है, कोई नया एलिमेंट नहीं है। ओजोन सिर्फ ऑक्सीजन का एक स्टेट है। जैसे कि नॉर्मल ऑक्सीजन यानी कि जो आप अभी हवा में सांस ले रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं O2, यानी ऑक्सीजन का स्टेबल स्टेट है। तो O2 तो हो गया आपका नॉर्मल ऑक्सीजन। जब O2 जो है अल्ट्रावायलेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो ओजोन बनाता है। तो O3 यानी कि जो इस तरह का जनरली सिर्फ दो ठो रहता है और वो स्टेबल रहता है। जब ये 3 बन जाता है, जब मतलब समझिए यहाँ पे आप खूब सारा ऑक्सीजन मॉलिकल्स है, आपने अल्ट्रावायलेट मारा तो एक ऑक्सीजन ब्रेक कर जाता है। जब वो ब्रेक करता है तो 2 फ्री ऑक्सीजन्स है, अब वो स्टेबल नहीं होता। तो वो जनरली ज़बरदस्ती का मतलब O2 से बॉन्ड कर जाता है। जब वो ज़बरदस्ती का बॉन्ड करता है तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि बहुत छोटा हाफ लाइफ होता है। यानी कि अगर आपने O3 बनाया है, अभी किसी भी चीज़ से आपने O3 बनाया, वो कुछ ही देर O3 रहेगा, बाद में अपने आप टूट के O2 में बन जाता है। स्टेबल नहीं है, मतलब ये अभी बनाए कुछ घंटे में गायब हो जाएगा, ये स्टेबल नहीं है। जैसे O2 स्टेबल है, आप एक सिलेंडर में आराम से O2 बना के रख सकते हैं, वैसा O3 के साथ नहीं किया जा सकता। O3 का हाफ लाइफ बहुत छोटा होता है। लेकिन ये बात समझिए, चूँकि ये काफ़ी रिएक्टिव है, ये O3 है, मतलब समझिए ऑक्सीजन ऐसे रिएक्टिव होता है, ये O3 है, और चूँकि ये रेडी है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम तुरंत दे दें, ये रेडी है, मतलब ये समझिए बहुत एक्टिव है। O2 थोड़ा स्टेबल होता है तो इसलिए हर चीज़ के साथ तुरंत रिएक्ट नहीं करता है। ये रेडी है, मतलब कि अभी हमको कुछ भी मौका दो हम एक ऑक्सीजन दे देंगे। तो ये बहुत भयानक ऑक्सीडाइज़र होता है, यानी कि कोई भी चीज़ इसको अगर छुआ भी ये धड़ाक से उसको फ्री ऑक्सीजन दे देता है। लेकिन हाँ, आपको हाफ लाइफ के अंदर रहना, ये टूट के ख़त्म हो गया तब बात अलग है, लेकिन जब तक O3 है आपके पास, कोई भी चीज़ इसको छुआ इसको सीधे ऑक्सीडाइज़ कर देगा। और ये बॉन्डिंग के मामले में कि किस चीज़ से बॉन्ड कर सकता है, कौन आयन से बॉन्ड कर सकता है, कौन सॉल्ट से बॉन्ड कर सकता है, ये लगभग सब चीज़ के साथ बॉन्ड कर सकता है। मतलब O3 से ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है इंसान के पास। तो ये हुआ ऑक्सीजन, मतलब आपने O2 लिया, आपने O2 को अगर ब्रेक करके कर दिए O2 के एनवायरनमेंट में, तो वो जो फ्री O2 मतलब फ्री ऑक्सीजन रहेगा वो बॉन्ड कर जाएगा मतलब ऑक्सीजन O2 के साथ, तो O3 बनाएगा। O3 अनस्टेबल होता है लेकिन बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, और ये लगभग किसी के साथ भी बॉन्ड कर रहा है क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। तो फिर आता है कि हम लोग इसका पानी में क्या करते हैं। तो पानी में ये समझिए कि बायोमेटर यानी कि आपका एलजी हो, चाहे फंगस हो, चाहे जो भी बायो मटेरियल, जैसे अल्ट्रावायलेट स्वाहा कर देता है, अल्ट्रावायलेट तो समझिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेरलाइज करता है, ठीक है भैया। अगर आप मेरा पिछला एपिसोड देखेंगे तो ये समझ में आएगा, बेसिकली समझिए उसको न्यूटर कर देता है, ये डिस्ट्रॉय करता है, मतलब ये जाके सेल वाल तोड़ फोड़ देता है। तो मतलब समझिए आपका सेल दिखेगा नहीं माइक्रोस्कोप से, मतलब ये इतना बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो बायो और बायोमटेरियल में ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सेलुल हो, जो बायो सॉलिड्स होते हैं वो भी साफ कर देता है। और आयंस के मामले में मैंने आपको बताया था पानी में 3 चीज़ झमेला होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये केमिस्ट्री के मामले को भी संभाल सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्ट्रावायलेट सिर्फ बायोलॉजी अच्छे से संभाल सकता है, बाकी किसी को छुएगा भी नहीं, ये मतलब बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री संभाल सकता है, इसीलिए इस पर लोग खर्च करते हैं। और फिर ये समझिए पानी का टेस्ट बदलाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कई जगह आप सुनते हैं पानी थोड़ा सा टेस्ट पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर पानी में आयंस बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे मान लीजिए सोडियम जरूर से ज़्यादा हो गया या पोटेशियम ज़्यादा हो गया, ये सब हुहा चीज़ ज़्यादा हो गया, तो वो सब हटाना पड़ता है। तो वो सबको जनरली आपको स्टेबल बना के हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो सब आयन फॉर्मेट में रहता है। आप O3 डाल दीजिए, वो आराम से उसको हटा देता है, इसीलिए ओजोन से जो भी पानी को ट्रीट किया जाता है उसका टेस्ट बदल जाता है। तो ये काफ़ी लोगों के लिए अच्छी बात है, काफ़ी लोगों के लिए बुरी बात है। जैसे मिनरल वाटर के पीछे जो लोग भागते हैं, अब O3 से मिनरलाइज किया गया है तो बात अलग है, लेकिन मान लीजिए आपके पास पानी खराब आ रहा था उसमें O3 डाल दिया तब बढ़िया टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ को हटा देता है। तो टेस्ट को ये चेंज करता है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता, और जनरली सब जगह करना पड़ता है, खास करके वाटर रिसाइकलिंग प्लांट में। फिर इसका जो सबसे बड़ा मतलब पावर है, क्योंकि ये केमिस्ट्री लेवल पे काम करता है, ये एक चीज़ कर सकता है जो कि लगभग कोई और नहीं कर पाता, इवन रिवर्स ऑस्मोसिस भी बेयरली कर पाता है, कि अगर आप जहाँ पे फर्टिलाइज़र चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप खेत में यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया पानी में सिप कर जाता है, जब यूरिया पानी में पहुँच गया, अब प्रॉब्लम है कि यूरिया इंसान के लिए ख़तरनाक है, और मतलब कोई भी चीज़ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने पर ख़तरनाक हो जाता है। तो ये ओजोन जो है यूरिया को ब्रेक डाउन कर देता है, ये इसका हिडन एलिमेंट है। मतलब अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे कुछ हैवी एलिमेंट्स डाला जा रहा है, वो सबको पानी से निकालना रिवर्स ऑस्मोसिस लगभग नहीं कर पाता है, क्योंकि आपको मेरा रिवर्स ऑस्मोसिस जब वायरस को इधर उधर ले जाने देता है तो मतलब बहुत सारे आयन्स भी चले जाते हैं इधर उधर। तो ये ओजोन जो है ये वो सबको संभाल पाता है, ये इसका हिडन टैलेंट है, कि ये समझिए बहुत सारे फर्टिलाइजर, सबका सब नहीं, कुछ कुछ फर्टिलाइजर ओजोन भी क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे यूरिया खास करके अच्छे से पकड़ के तोड़ देता है, जब वो तोड़ देता है तो आसानी से नॉन हार्मफुल बन जाते हैं।
तो इसीलिए इसका पानी में बहुत चलन है, खास करके जहाँ पे मतलब खूब सारा फर्टिलाइज़र, जो आप सुनते हो ना, फर्टिलाइज़र से जो पानी मतलब खेती में जो फर्टिलाइज़र डाला गया उससे जो पानी निकला वो बहुत जहरीला होता है, ये उसको संभाल सकता है। तो आप समझिए, ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री दो चीज़ को संभाल रहा है, जैसे रिवर्स ऑसमोसिस से फिजिकल मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी संभालता है, लेकिन बायोलॉजी का वायरस निकल जाता है, ये बायोलॉजी पूरा संभालता है और केमिस्ट्री का बहुत सारा चीज़ संभाल लेता है। तो फिर बात बताया कि मैंने आपको बताया था कि ओजोन को आप कहीं रख नहीं सकते, आप कहीं स्टोर नहीं कर सकते, उसका हाफ लाइफ नहीं है लंबा। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि ओजोन बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मेरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ ओजोन बनाएंगे, मतलब तुरंत उसी को बना के तुरंत दे देना है, क्योंकि ओजोन स्टेबल नहीं होता है। तो हम लोग करने के लिए ओजोन बनाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, तो दो तीन बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सबसे पहले आप बिजली लीजिए और पानी डालिए और उसके साथ थोड़ा सा कैटलिस्ट डालिए, क्योंकि जैसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस सुनते हैं वैसे ही ओजोन भी बनाया जा सकता है, लेकिन वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, दूसरा और कैटलिस्ट भी अच्छा होना चाहिए। अगर कैटलिस्ट अच्छा है तब बल्ले बल्ले, नहीं अच्छा है तो आपको मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, थोड़ा सा ओजोन मिल जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा, और ये काफी हाई कॉन्सेंट्रेशन तक क्रिएट कर सकता है। फिर बात करते हैं अल्ट्रावायलेट से बनाना। अल्ट्रावायलेट पानी के अंदर जो काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब अल्ट्रावायलेट का रेडिएशन जो है वो सब डीएनए का बॉन्ड को तोड़ देता है, तो समझिए यानी उसमें एनर्जी है। तो वो एनर्जी जब हमारे अंतरिक्ष में बात करें तो सूर्य से आ रहा है अल्ट्रावायलेट, हमारे एटमोसफेयर में ऑक्सीजन है, वो जैसे उसको तोड़ता है ऑक्सीजन, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आप सुनते होंगे कि ओजोन हम लोग को यूवी से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है वो समझिए, उसका एनर्जी खा ले रहा है कि भैया तुम मतलब 100 किलो का खाना रहा वो खा ले रहा है, इसीलिए वो नीचे नहीं पहुँचा, वो एनर्जी उसको ब्रेक डाउन कर देता है। और यूवी लाइट का एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम है, मतलब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, अगर उस वेवलेंथ पे आप ऑक्सीजन ले गए, मतलब ये हवा चल रहा है यहाँ पे, वो एग्जैक्ट वेवलेंथ आ गया, वो ये मतलब जो वेवलेंथ है 185 नैनोमीटर का, उसमें ओजोन का क्रिएशन होने लगता है, बहुत नहीं होता है लेकिन होने लगता है। और फिर ये एक ऑप्शन होता है कि यूवी लाइट से आपने बनाया। फिर एक और ऑप्शन होता है कि कोरोनल डिस्चार्ज, यानी कि जो बिजली का लाइटनिंग देखते हैं ना, उससे भी ओजोन बनता है। तो आप कई बार जब सुनते हैं ना, जब खूब सारा बिजली कड़कता है थोड़ा सा फील अलग हो जाता है वहाँ का, वो है कि ओजोन वहाँ बनने लगा है। तो ओजोन नेचर में भी वही बनता है कि बहुत ज़्यादा बिजली लाइटनिंग करने से आपको ओजोन मिल जाएगा। तो कई लोग यूवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं, कोई लोग इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं, सबका अपना फ़ायदा नुकसान है। और कई जगह आजकल पानी में ही सीधा सीधा बना लिया जाता है, लेकिन हाँ कैटलिस्ट देना पड़ेगा, नॉर्मल पानी को कीजिएगा तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो ऐसे करके हम लोग ऑन स्पॉट बनाते हैं, मतलब यहाँ मेरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसके बगल में ओजोन जनरेटर बनाया जाएगा। ठीक है, आपने बना लिया ओजोन, तो अब आप इस्तेमाल कैसे कीजिएगा? ये इकलौता उस टाइप का प्रोडक्ट है, जैसे मैंने बताया था रिवर्स ऑस्मोसिस केमिस्ट्री के लेवल पे काम करता है, तो आप चाहोगे कि उसमें कोई फिजिकली बड़ा चीज़ ना हो, यहाँ पे वैसा लगता है लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार ओजोन को बहुत अर्ली स्टेज में दिया जाता है कि मतलब पानी आया, आपने बड़ा बड़ा कचरा हटा दिया, कि मतलब कोई प्लास्टिक का बैग, लकड़ी उकड़ी ये सब ना आ जाए, मतलब फिजिकल कचरा आपने हटा दिया, पत्थर उत्थर हटा दिया, जब एक पास अगर गंदा पानी है आप उसी में ओजोन डाल सकते हैं, क्योंकि ओजोन के पास वो यूवी वाला लिमिटेशन नहीं कि डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट नहीं है तो वो काम कर पाएगा। तो उसको हम लोग फिल्ट्रेशन से पहले डालते हैं। फिल्ट्रेशन से पहले डालने का ये होता है कि वो बाउंड कर गया, ठीक है, वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था जो वो सबको दे दे के बाउंड कर गया, ठीक है, लेकिन बाय प्रोडक्ट बन गया। ये अल्ट्रावायलेट जैसा नहीं, अल्ट्रावायलेट कुछ नहीं है, सिर्फ रेडिएशन है, यहाँ पे फिजिकल चीज़ आप डाल रहे हैं तो फिजिकल चीज़ बन जाता है, बाय प्रोडक्ट हो जाता है, तो वो बाय प्रोडक्ट आपको हटाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप ओजोन डालिए जो बाय प्रोडक्ट बना वो हार्मलेस है, लेकिन हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाय प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया तो वही खतरा बन जाता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जहरीला नहीं है, लेकिन 13% से ज़्यादा हो गया आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं आप सीधे ऊपर पहुंच जाइएगा। तो उसी तरह यहाँ पे भी आपको देखना पड़ता है कि मतलब आपको बाय प्रोडक्ट्स हटाने पड़ेंगे। तो जनरली जो पानी को हम लोग ओजोन से ट्रीट किए हैं उसे हम लोग डाल देते हैं एक्टिवेटेड कार्बन में, ताकि जो मतलब बाय प्रोडक्ट्स हैं और या कोई एक्स्ट्रा फ्री ऑक्सीजन है वो स्टेबलाइज हो जाए। और इसका फायदा ये होता है कि इसको कई बार हम लोग कोएगुलेशन से पहले करते हैं, यानी आप पानी में देखते हो ना केमिस्ट्री क्लास में कि ऐसा रहता है, पानी थोड़ा देर में स्टेबल होता है, फिर मतलब जो चीज़ ठीक से मिक्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओजोन बहुत अच्छा हेल्प करता है, बहुत अच्छा हेल्पिंग एजेंट है, क्योंकि बहुत सारे मेटल के जो आयन है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देने से बड़ा हो जाता है, मतलब फिजिकली बड़ा हो जाता है, तो वो सेटल करना आसान हो जाता है। बहुत सारा बायोलॉजिकल मटेरियल जो है, जैसे खास करके सेल हुआ, वायरस हुआ, उसका जब स्ट्रक्चर सही रहता है तो वो बहुत स्मूथ रहता है, किसी चीज़ के साथ बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन जैसे ओजोन तोड़ फोड़ देता है उसको तो आराम से कोएगुलेट करने लगता है। तो इसीलिए ओजोन को जनरली आखिरी स्टेज में नहीं किया जाता, काफी पहले ही किया जाता है। अल्ट्रावायलेट जैसे मैंने बताया लास्ट स्टेज होता है, मतलब बेस्ट केस सिनेरियो में अल्ट्रावायलेट से आप पानी लीजिए और तुरंत पीजिए, तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे जनरली हम लोग पानी में बहुत अर्ली डाल देते हैं। और इसका काफ़ी अच्छा से अगर इंजीनियरिंग किया जाए तो आपको कोएगुलेशन में हेल्प करता है कि ठीक है भैया, और कचरा को बड़ा कर देता है, मतलब बहुत सारे सॉल्ट को बड़ा बना देता है ताकि आराम से फिल्टर हटा सके। तो ऐसे करके इस्तेमाल करें, इसको मत सोचिए कि आखिरी स्टेज में नहीं डालते हैं। आखिरी स्टेज में अगर आप डालना चाहते हैं, जैसे घर में आप इस्तेमाल करना चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन तब भी लोग कहेंगे कि एक्टिवेटेड कार्बन में डालिए।
तो फिर बात करते हैं कि अगर ओजोन का इतना बढ़िया बात है कि वो बायोलॉजी की बैंड बजा देगा, केमिस्ट्री को साफ कर देगा, तो हर कोई क्यों नहीं इस्तेमाल करता? तो इसका साइड इफेक्ट है। तो इसका एक सबसे इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट ये है कि अगर आपके पानी के सोर्स में ब्रोमाइड रहा, ब्रोमाइड और अगर ये ओजोन मिल गया, तो आपको सीधे कैंसर दे देगा ना। अब जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कैंसर दे देगा, तो ऐसा नहीं कि अभी मैंने अपने ब्रोमाइड और ओजोन वाला पानी पिया तो तुरंत आपको कैंसर हो ही जाएगा, लेकिन ये रिस्क बहुत बढ़ा देता है। इसीलिए जो आप अभी रिसेंटली सुझाव सुने, कैलिफोर्निया का एक पॉन्ड था, उसमें काला कलर का प्लास्टिक बॉल डाल डाल के उसको ढका जा रहा था, वो इसलिए था। मैंने सनलाइट यूवी लाइट लाता है, तो यूवी लाइट से ओजोन अगर रहा और ब्रोमाइड रहा तो एक्स्ट्रा ब्रोमाइड बना देता है, तो वो ब्रोमाइड का जो कंपाउंड्स है वो बहुत जहरीला होता है इंसान के लिए, तो इसीलिए उसको ढकना पड़ता है। तो ये समझिए, ओजोन के साथ ये देखना पड़ेगा। अगर आपके पानी जो आ रहा है, जहाँ से आप पानी निकाल रहे हो, वहाँ ब्रोमाइड नहीं है, और आपको पूरा चेन देखना पड़ेगा कि घर तक किसी का हालत में नहीं हो रहा कि मिक्स हो जा रहा है या कंटेमिनेट हो रहा है, तभी आप ओजोन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ओजोन और ब्रोमाइड मिल गया, गया काम से। फिर ओजोन बनाना, क्योंकि ऑन साइड बनाना पड़ता है, वो यूवी जितना इफिशियंट नहीं, यूवी तो समझिए एक लैंप है, लैंप जैसा चला रहे हैं, ओजोन उतना इफिशियंट नहीं है, तो बिजली का बिल आपका बहुत आएगा। मतलब अगर बहुत बड़ा प्लांट का बात करें तो सबसे ज़्यादा बिजली तो आपका ये खाता है वाटर पंप, वाटर पंप के बाद दूसरे नंबर पर ये आ जाता है, ये बहुत बिजली खाता है। तो फिर और इसका बाय प्रोडक्ट भी आपको हटाना पड़ता है, ये यूवी जैसा नहीं। अगर आप सिर्फ बायोलॉजी के लिए करना चाहते हैं, आपको सिर्फ ये है कि भैया मुझे बैक्टीरिया वायरस से नहीं मारना है, तो यूवी ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। मतलब आपको ठीक है, आपको पता कि पानी में कोई नमक नहीं है, कोई आयरन नहीं है, कोई मतलब यूरिया वूरिया नहीं है, तब आपको यूवी ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल चीज़ रहेगा। इसीलिए हर होम के सिस्टम में जनरली यही अस्यूम किया जाता है कि आपका पानी में एटलीस्ट ये सब हैवी इंडस्ट्री मटेरियल चीज़ नहीं है, तब उसमें आपको आरओ से पानी में मतलब लगभग सब चीज़ हटा दिया, फिर जो बचा कुछ है उसको यूवी हटा देता है। ओजोन हम लोग नहीं इस्तेमाल करना चाहते हर जगह। और ठीक है, चलिए मान लीजिए आपका ऐसा जगह होगा कि आप खेत खलिहान के बगल में थे, तो आप समझ गए भैया यहाँ यूरिया का पानी आ रहा है, यहाँ पे हमको साफ पानी चाहिए, तो ओजोन आपने कर लिया। ठीक है आपने पानी साफ कर लिया, बल्ले बल्ले सब हो गया, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप ओजोन का इस्तेमाल करके आप कोएगुलेशन भी कर लिया, उसके बाद आरओ में डाल दिया, उसके बाद आप यूवी कर दिया, सब बल्ले बल्ले। लेकिन यहाँ फिर एक ही चीज़ में लटक जाते हैं कि ये री इन्फेक्शन अलग होता है, मतलब आप पानी एक कनाल में डाल के दूसरे जगह ले जाएंगे, पानी इन्फेक्ट हो जाएगा दोबारा। यही कारण है कि हम लोग घूम फिर के कितना भी उछलते कूदते हैं, एंड में आ जाते हैं अपना इसके साथ क्लोरीन के पास, क्योंकि क्लोरीन इकलौता ऐसा चीज़ है जो री इन्फेक्शन से बचा सकता है। तो यहाँ पे आप समझिए, पानी आपने जो फिल्टर किया, अगर तुरंत कंज्यूम कर रहे हैं या तो उसको बॉटल में बना के आप बेच रहे हैं, तब कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर उसको आप कनाल से या पाइप से कहीं ले जाना चाहते हैं तो री इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है, जैसे यूवी में होता है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है जो आँख मूंद करके हर कोई नहीं इस्तेमाल कर लेता, कि ब्रोमाइड चेक कीजिए, दूसरा एनर्जी भी बहुत खाता है, तीसरा आपको बाय प्रोडक्ट हटाना पड़ेगा, खासकर कि अगर आप म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पर काम कर रहे हैं तो आपको उस पर ध्यान देना होगा। मतलब जैसे आप देखते होंगे ना, आरओ कैंट का ही तो आता है ओजोन जनरेटर, तो वो है सिर्फ डिसइंफेक्टेड के लिए, कि फल उनको डिसइंफेक्ट कीजिए और वो पानी फेंक दीजिए, वो पानी पीने के लिए नहीं है। तो ठीक है, वैसा किया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम ओजोन से पानी ट्रीट करें, तो आपको ध्यान देना होगा कि पहला तो एनर्जी हो, फिर दूसरा आप बाई प्रोडक्ट यानी एक्टिवेटेड कार्बन का खर्चा आपका बढ़ जाएगा, फिर री इन्फेक्शन से आप कैसे बचाइएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मतलब ओजोन प्योरिफिकेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप डिसलाइक का बटन दो बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा वो कितना नापसंद हुआ है। और मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और मैं आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा ही, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।